ओम शांति। हम वरदान को मंथन करते हैं। आज है हमारा 26वां वरदान। रुहाब, रुहाब किसे कहते हैं? आब माना पानी, आब माना चमक, आब माना नशा। तो रुहाब मतलब रूहानी नशा। मतलब हम जब अपने आप को रूह समझते हैं, रूह की अवस्था में अपने आप को अनुभव करते हैं, उसे कहा जाता है रुहाब। और फिर रहम के गुण द्वारा, हमारे पास कौन सा गुण हो? रहम। एक तो हम अपने आप को आत्मनिष्ठ करें, दूसरा हम सब पर रहम करने के गुण को धारण करें। विश्व नव निर्माण करने वाले, विश्व कल्याणकारी। फिर हमारी बुद्धि में क्या हो कि हमने विश्व का नव निर्माण करना है, इस नरक को हमें स्वर्ग बनाना है और सारे विश्व की आत्माओं का, प्रकृति का कल्याण करने वाला, कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने कहा दो मुख्य धारणाएं आवश्यक है। एक रुहाब, वो भी कैसा हो रुहाब? रुहाब हो गया मैं रूह हूं, नशा है कि मैं आत्मा हूं, परंतु अब क्या लाना है? एक ईश्वरीय रुहाब। कौन सा रुहाब हो? मैं ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वरीय रूह हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। और दूसरा रहम सारे विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है, रुहाब ज्यादा है रहम कम है, रहम ज्यादा है रुहाब कम है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। रुहाब भी और रहम भी दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है, दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की, देवियों को दिखाते ना, देवियों के चित्रों में इन दोनों गुणों को समान रूप में दिखाते हैं। बाकी कोई फर्जी जल्दी जल्दी बना दे का अलग है, तो एक्यूरेट जो चित्र होता है देवियों को देखकर उनमें रूहानियत भी दिखाई देती है और उनमें रहम भी दिखाई देता है। इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।